Okay, so the topic is presentation, and in this marginal presentation we have done, what was the marginal presentation? It is in which the placenta, they are arranged along a margin. ठीक है, एक margin के साथ जब ये arranged होते हैं, so that is a marginal presentation. An example we have studied that for pea plant, right? We also drew the diagram for this on that day. If you have not done it, you can do it right now. This is, let's say, the ovary. Ovary जो बाद में fruit बना देगी, ठीक है? If you split it open and you view the arrangement of the placenta, that is all on one side. The placenta, they are arranged in such a manner that they are located all along the margin, ठीक है? और ये जो placenta है, this, what is a placenta? Placenta होता क्या है? Placenta is a tissue. That is a tissue which is a cushiony tissue that which nourishes the ovule. ठीक है, ये ovule को nourish भी करेगा, right? So this is the place where the ovules are arranged and they are also being nourished. ठीक है, so write down the definition also for placenta. What is placenta? It is a cushiony tissue. It is a white cushiony tissue that provides a place to the ovules and also nourishment. That provides a place as well as nourishment to the ovules. Okay. So that is marginal placentation. Second is, after this, exile placentation. What is exile placentation? Exile is when we say that the ovary wall हमने डायग्राम में उस दिन बनाया था जब भी हमने पार्ट ऑफ फ्लावर किया था, दैट इज गायनोशियम, याद है? ओवरी बनाया था, ओवरी के बीच में मैंने एक कंटिन्यूअस वॉल सर्कल बनाया था, तो दैट इज अ ओवरी वॉल. सो दिस इज अ ओवरी वॉल, लेट्स से, है ना, जो अंदर बनेगी. ओवरी वॉल डिपेंडिंग अपॉन द कार्पल्स, एक फ्लावर के अंदर कितने कार्पल्स होते हैं, लेट्स से जैसे चाइना रोज है, दैट शोज द एक्साइल प्रेजेंटेशन. एग्जाम्पल यू कैन राइट हियर, दैट इज ऑफ एक्साइल प्रेजेंटेशन इज सीन इन चाइना रोज. ओके, here in China rose what happens is that the exile presentation. अब इसमें क्या है, पांच stamens जो है वो तो numerous है लेकिन पांच carpels है. अगर आपने flower देखा होगा इसका, China rose का, तो you must have seen कि इस तरह से petals के बीच में से ये इसके petals हैं, है ना, something like this, and there comes out the staminal tube like this. Staminal tube देखिए आपने flower में, और अगर आप इस फ्लावर को व्यू करोगे तो ये फ्लावर के बीच में आपको इसके बिल्कुल टॉप पे यहाँ फाइव स्टिग्मास इस तरह नजर आएंगे. फाइव स्टिग्मास देखा है कभी, नोट किया आपने इतने ध्यान से? इफ नॉट देन यू कैन सी इट, अगर आपके घर के आसपास है. वेरी कॉमन फ्लावर, दिस इज चाइना रोज. तो यहाँ पे इसके फाइव स्टिग्मास मेरूनिश कलर के स्टिकी वेलवेटी सा लुक वाला, इस तरह पांच इसके स्टिग्मास प्रेजेंट होते हैं. सो दैट शोज हाउ मेनी कार्पल्स इट इज हैविंग, फाइव, राइट? तो पांच कार्पल्स हैं जो फ्यूज हो गए हैं और बीच में ये एक स्टाइल और एक ओवरी बना रहे हैं, पर एक ओवरी के बीच में पांच कंपार्टमेंट्स होंगे. ठीक है, पांच कंपार्टमेंट्स होंगे, पांच लॉक्यूल्स बनेंगे. कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, यू कैन राइट इट ऑन अ सेपरेट प्लेस. द कंपार्टमेंट्स विच आर मेड बाय द फ्यूजन ऑफ द ओवरी. ठीक है, फ्यूजन जो ओवरीज की होती है उससे जो कंपार्टमेंट्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज लॉक्यूल्स. एंड व्हाट इज द कंडीशन देन कॉल्ड एज, इट इज पेंटालॉक्यूलर फॉर चाइना रोज बिकॉज इट हैज फाइव लॉक्यूल्स. ठीक है, सो राइट डाउन, इट इज पेंटालॉक्यूलर, और इफ इट इज हैविंग थ्री लॉक्यूल्स देन इट इज ट्राइलॉक्यूलर. ठीक है, इफ इट इज हैविंग टू लॉक्यूल्स देन बाइलॉक्यूलर. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मेनी लॉक्यूल्स आर प्रेजेंट. Okay, I make a simple structure, that of a trilocular structure. You can make it for penta also. If you want, you can make it for penta. But this is easy to draw, the trilocular one. Even the flower family, that which we are going to do, that is Solanaceae family. In your syllabus, it is written that out of three families, we are to only do one. Okay, so ek family humne karni hai, to Solanaceae family aapko karvayenge. उसमें आप देखेंगे देयर इज बाइलॉक्यूलर कंडीशन. ठीक है, टुडे ओनली वी विल बी डिस्कसिंग द फैमिली आल्सो. सो दिस इज ट्राइलॉक्यूलर, वन टू थ्री लॉक्यूल्स.
है ना। अब ये पेरेंटल ये जो वॉल है इसकी ओवरी वॉल है ये एक्सीड कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर एंड द पॉइंट वेयर ऑल थ्री जॉइन, जहां पे ये इस तरह से फ्यूज करेंगे, जहां पे ये ऐसे जॉइन करेंगे उस पॉइंट पे इसे क्या करना है, प्लेजेंटा बेयर करेगा। दिस बेयर्स द प्लेजेंटा एट दैट पॉइंट वेयर दीज ओवरी वॉल्स फ्यूज इन द सेंटर। ठीक है, जहां पे भी ओवरी वॉल एक्सटेंड होके फ्यूजन देगा वहीं ये प्लेजेंटा फॉर्म होगा। एंड व्हाट वी रोट फॉर प्लेजेंटा, प्लेजेंटा इज अ वाइट कुशनी टिश्यू दैट प्रोवाइड्स प्लेसमेंट एंड नरिशमेंट। तो प्लेसमेंट देता है मींस ओव्यूल्स इसके ऊपर इस तरह से प्लेस्ड होंगे। ठीक है, और जब भी ओव्यूल बनाना है बच्चे हमेशा नैरो एंड टुवर्ड्स द प्लेसेंटा बनाना है बिकॉज दैट इज इट्स पॉइंट ऑफ जॉइंट यू कैन से लाइक दिस। ओके क्लियर, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्साइल प्लेसेंटेशन एंड व्हाट कंडीशन इज इट शोइंग, इट इज ट्राइलोक्युलर। ठीक है, ट्राइलोक्युलर, हम इसको ट्राई कार्पिलरी भी लिख सकते हैं, कार्पल्स तीन है, यहाँ पांच कार्पल्स हैं तो क्या लिखेंगे, पेंटा कार्पिलरी, पेंटा कार्पिलरी, पेंटा लॉक्यूलर, लॉक्यूल्स आर बिकॉज ऑफ दीज लॉक्यूल्स कंपार्टमेंट्स एंड कार्पिलरी इज बिकॉज ऑफ द कार्पल्स विच आर अवेलेबल। ओके, सो दिस इज द एक्साइल प्रेजेंटेशन, क्लियर। नाउ द थर्ड वन इज पराइटल प्रेजेंटेशन। फॉर पराइटल प्रेजेंटेशन एज द नेम इज सजेस्टिंग, एग्जाम्पल हेयर इज दैट ऑफ मस्टर्ड प्लांट, you can view this in the mustard flowers. Parietal presentation mein if you will see that the parietal wall only that do not exceed to the center as it goes for exile. theek hai, to parietal kaisa hota hai parietal presentation ke liye, this is let's say the ovary cross section, right? For the practicals you will be also learning the ovary cross sections. Okay, so within this again if I take the tricarpillary structure ट्राइलोक्युलर, तो यहाँ पे क्या है, ये जो ओवरी वॉल है इट इज एक्सीडिंग इन सच अ वे दैट इट इज नॉट गोइंग टू द सेंटर, इट इज जस्ट प्रोसीडिंग एंड इन्वेजिनेटिंग इन बट नॉट लीडिंग टू द सेंटर, सेंटर तक नहीं पहुंच रहा, देखो है ना। तो जब ये सेंटर नहीं पहुंचा अपनी पराइटल वॉल के ऊपर ही इसने प्लेजेंटा रख लेना है, सो दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ द प्लेजेंटा। प्लेजेंटा कहाँ बेयर अप हुआ, ओवर द पराइटल वॉल, पेरेंटल वॉल। What is the parental wall? What do you understand by this term parental wall? Means उसकी अपनी main wall. अंदर exceed नहीं हुई जैसे exile में हो रही है, center में जाती है meet करती है, यहाँ ये अंदर exceed नहीं हुई, ठीक है? And it bears the placenta on its main wall only, that is the parietal wall only. तो parental wall के ऊपर ही ये placenta bear करता है, this is all the shaded what I'm drawing here, that is the placenta. It is a placement for placenta. Okay, and जहां placenta होंगे वहीं पे ovules होंगे, so this is the placement of the ovules like this. Okay, so this is what, this is parietal placentation. In some of the plants the parietal placentation is exhibited but also the wall exceeds as a false septum, making a false septum. पराइटल में ही आपको ये नजर आएगा कि ये जो वॉल है ये एक्सीड कर जाती है टुवर्ड्स द सेंटर, बट दैट इज नॉट एन ओरिजिनल सेप्टम, दैट इज अ फॉल्स सेप्टम। ओके, इफ इट इज सीन इन सम प्लांट्स, जैसे ये एक्सीड कर गया यहाँ पे और ये वॉल इसका एक्सीड कर गया यहाँ पे और इसने तीन लोक्यूल्स बना दिए, है ना, एक्साइल के जैसा बन गया, पर ओव्यूल्स कहाँ बेयर अप कर रहे हैं, अभी भी पराइटल वॉल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पराइटल प्लेजेंटेशन। ठीक है, और ये जो हमारे पास सेप्टम्स बने हैं दे आर नॉट द ओरिजिनल वंस, मतलब ये उसकी वॉल एक्सीड करके यहाँ पे नहीं बना रहा जैसे एग्जाइल में हुआ था, तो ये फॉल्स सेप्टम है। तो फॉल्स सेप्टम्स जो पराइटल में बनते हैं, सिर्फ पराइटल में ही बनेंगे, फॉल्स सेप्टम्स जो बनते हैं यहाँ पे दे आर कॉल्ड एज रेपलम। व्हाट डू वी कॉल देम, इट्स कॉल्ड एज रेपलम, गॉट इट, हाँ जी गॉट इट। So this is parietal placentation. The repellum may or may not be present. Okay, ये जरूरी नहीं है, मैंने बना दिया तो आप सभी के अंदर, मतलब सारे plants के अंदर parietal placentation पे होगा, it may or may not be present, but you have to look for the placement of the ovules. Where are they located? Are they located in the center
or they are located over the parietal wall. Then you will know the presentation. Okay, aren't you clear till this? Right. Next is axial presentation. Sorry, axial is done. Free central. Next is free central, and the example for this is dianthus flower or the primrose flower. Examples you have to learn. It is dianthus or primrose. It's not or, these are different plants. Dianthus and this primrose, they are having the free central. As the name is saying, free central means it is not attached to the parental wall. Free ka matlab kya hai? It is not attached to the parental wall. Central ka matlab kya hai? It is placed at the center. Okay. So how it looks like, if this is the cross section of an ovary, the parietal wall is similarly smooth, jaise outer wall hai waisa hi iska ovary wall inner hai. It is not proceeding inwards, right? This you can have a look. Anji, okay. It is not proceeding towards the inner side. And where is this placenta born? Placenta will be born somewhere in the center. So it locates the central position, and then in the center it is freely attached. You can say it's not attached to the parental wall, but it is freely located, freely present within the center like this. This is the central position, and all the ovules, they are born over it. ठीक है, so सारे के सारे जो ovules हैं वो यहाँ इसके ऊपर attachment से joint up इस तरह. ठीक है, so that is what it is, the free central arrangement, free central presentation. And the last one which we have to discuss here, that is the basal presentation. Basal, and the example for basal presentation, that is sunflowers. Sunflower that shows the basal presentation. As the name is suggesting, basal means at the base, hai na? So that is the ovary. If this is the ovary, let's say, and this is the base, this is the ovary style jo uska base pe present hoga. So this is the base and the ovary, and the ovule is attached to where? That is to the base. Theek hai, ye jahan maine ye stalk like structure banaya hai, it is where the placenta is also present. Theek hai, ye yahan pe is position pe iske placenta hai, aur yahan se hi ye ovule jo hai ye is tarah se pura attached. Because you don't know the structure completely, that of an ovule, you will study it in 12th standard. Okay, so need not to make the complete structures of the ovule. We are just representing it in the form of this oval. Okay, so these are the five types of presentations that you have to study, right? Along with the examples, go for the examples more if they are there in your NCERT, right? The basic and the general examples I have already given you, and more examples can be added in your assignment notebooks from the NCERTs. Okay, any doubt, any question anyone having? Anji, anybody having any question? Namanpreet. Anji, Sahaj, one second. Yes, Sahaj. Ma'am, last wala samjha do ek bari. Basal wala? Yes, ma'am. बेसल में जो ओव्यूल है और जो प्लेजेंटा है, दैट विल बी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी. ठीक है, मतलब उसका जैसे ये ओवरी प्रेजेंट है, नीचे पेडिसल है, फ्लावर का थैलेमस है, ओवरी है. ठीक है, सो इट इज नो वेयर लाइक प्लेजेंटा इज नॉट अरेंज्ड इन अ सम ऑफ द, यू कैन से अरेंजमेंट. ठीक है, उसमें एक्सेस नहीं है, एक्साइल प्रेजेंटेशन, पैराइटल प्रेजेंटेशन के जैसा एक्सेस नहीं है. ये क्या है, सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है और वो यहाँ ऐसे अटैच्ड है, इसके साथ इस तरह से पड़ा. ठीक है, so that is one ovule, and that one ovule unilocular, uniovulated, single ovary, and that is what, basal. isme double locules bhi nahi banenge, two or more than two nahi banenge. yahan pe tumhare paas bande hai na, jaise locules bande hai, yahan nahi aayenge. theek hai, basal mein nahi aayenge. clear? anything else? hanji, bache, for raising up your hand, I think you get the those options of the hand color. So please use the dark color, okay? Because the light colored hand, that is not visible on the white screen. Your names are all, we are getting your names on the white background.
So those are not sometimes visible. Okay. Clear to all? So this is presentation and your topics from the CBSE side that has been deleted prior to the flower and after the flower. ठीक है, मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, फ्लावर, राइट, इनफ्लोरेसेंस एंड द फ्लावर, दैट इज फ्रॉम द सीबीएसई, दैट इज ओनली द टॉपिक्स व्हिच वी आर हैविंग, प्लस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ऑफ द फैमिलीज. ठीक है, एक फैमिली हमने करनी है, तीन फैमिलीज में से ऑलरेडी एक फैमिली उन्होंने कट कर दी है, दो बची, उन दो में से भी हमने कोई एक करनी है. ठीक है, एंड सोलेनेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ईजिएस्ट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट सोलेनेसी फैमिली ओनली, राइट. सो दिस इज द प्रेजेंटेशन. So after this, there is fruit and the seed that is not mentioned in the syllabus. So we are not to do that, right? So coming to the next is the last, that is the description of a family. And what is that family? It is Solanaceae. Solanaceae family, example that of a petunia flower, example that of a Solanum nigrum flower, that is Makoka plant. So humne yahan pe karna hai family. Solanaceae only, right? Family Solanaceae. Families जो होती हैं, they are named in such a way that they provide this AC term at the last. AC, ठीक है, ये लिखना ही है आपने. ACEAE, ये spelling याद रखने हैं. ठीक है, so that's a family which carries the members that are having the particular features of the Solanaceae family. ठीक है, particularly अगर हम बात करें जो prominent features हैं, जो Solanaceae के बिल्कुल unique features हैं जो बाकियों से इसको different करते हैं, that is number one, presence of the twisted style. ठीक है, जब भी आप इसके members में देखेंगे, these are the special features for Solanaceae members. You can write, they have twisted style. Means जो हमने स्टाइल बनाया था उस दिन, आपको याद है, स्टाइल स्टिग्मा एंड द ओवरी फॉर द कार्पल सेक्शन, दिस वाज द ओवरी स्टाइल एंड द स्टिग्मा. नॉर्मली फॉर ऑल द प्लांट्स इट हैज अ स्ट्रेट स्टाइल, है ना, ऑल द प्लांट्स, ऑल द फ्लावर्स, दे हैव द स्ट्रेट स्टाइल, बट द मेंबर्स बिलोंगिंग टू सोलेनेसी, दे हैव अ बिट ट्विस्टेड स्टाइल. ट्विस्टेड मीन्स दे विल बी शोइंग सम ट्विस्ट लाइक दिस, अ टर्न इन बिटवीन. ठीक है, दैट्स अ यूनिक फीचर ऑफ द Solanaceae family. Secondly, in this ovary of these plants that also has swollen placenta. ठीक है, ये ऐसे members हैं जिनकी ovary cross section अगर आप देखेंगे, placenta will be swollen. Okay, we will be drawing the diagram now. Then you will get what is that swollen placenta, right? On that day you made it like this. यहाँ पे मैं rough में बता देती हूँ. उस दिन आपने बनाया था जब यहाँ पे diagram में, तो हमने ऐसे straight line से बनाया था, याद है? ठीक है, पर ये swollen placenta होता है, तो swollen means ये इस तरह से balloon shape ऐसा होगा, ये पूरा इसका placenta जो है, it's like this, swollen. Okay, so this has swollen placenta. और एक और चीज, आपने जब ये बनाया था, आपने स्ट्रेट बनाया था इस तरह placenta, है ना, तो मैंने कहा था जनरल एक कार्पल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बट यहाँ Solanaceae में क्या होता है, इट इज नॉट लाइक दिस स्ट्रेट, ये ओब्लीक होता है. ठीक है, टू इट्स स्टाइल, always the ovary and the placenta, they are placed oblique. Okay, that is oblique manner mein. So that is also its unique feature, that is the oblique arrangement of the oblique placenta or the ovule ke andar jo ovary ke andar jo ovules honge, they will be located on the oblique placenta. Clear? It won't be a straight one like this. Theek hai? On that day when I was explaining you the gynoecium part, उस दिन मैंने ये general बनाया था. So these are the points that which you need to keep it in mind when you are studying the Solanaceae. And the ovule, they will be arranged like this, oblique. ठीक है, अभी हम बनाएंगे वापस, फिर से आपको ज्यादा बेटर क्लियर पता लगेगा. So these are the specialized features, number one. Number two, coming to this pleasant this family, that is a Solanaceae family. Whenever we are to explain any family, we have to write their general features as in using the terms. ठीक है, जो terms आप लोगों ने करी ना अभी, starting से लेके root से लेके last आपने किया ये flower, है ना, तो flower के हर part की जो आपने terms different use करी है, tap root system होता है सबसे पहले हमने पढ़ा, है ना, tap root, adventitious, fibrous,
उन तीन में से आपने स्पेसिफाई करना है यहाँ पे कौन सा रूट सिस्टम है, देन ऐसे ही स्टेम ऐसे ही लीफ, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि आपने रूट स्टेम लीफ के भी इन टच रहना है. ठीक है, नो डाउट इट इज नॉट देयर इन योर सीबीएसई सिलेबस, बट यू हैव टू कीप ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स आल्सो इन योर माइंड. क्लियर? तो जब भी हमने डिस्क्रिप्शन देना है, हमने रूट से स्टार्ट करके लास्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तक इसका बताना होता है. तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लांट. ठीक है, ऑफ एनी फैमिली. एंड स्पेशली फॉर डिस्क्राइबिंग एनी फैमिली वी नीड टू नो इट्स फ्लोरल फॉर्मूला एंड ऑल्सो वी नीड टू नो इट्स फ्लोरल डायग्राम. ठीक है, ये क्या है फ्लोरल फॉर्मूला? क्या है फ्लोरल? मीन्स द फ्लावर वर्ल्स, ऑल द वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर, लाइक दैट यू स्टडी फॉर द फ्लावर डिस्क्रिप्शन. अभी पढ़े हमने केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, है ना? तो वो हमने सारे यहाँ पे डिपिक्ट करने हैं, शो करने हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला. ठीक है, एज यू हैव योर मैथमेटिकल फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना? वहां पे आप क्या इसको मैथमेटिकली कोरिलेट करते हैं, पर यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है बीच बीच में आएंगी, नंबर वैल्यूज आएंगी. तो वी हैव टू जस्ट डिपिक्ट इट थ्रू द इधर द मैथमेटिकल वैल्यूज एंड द सिंबल्स. ठीक है, आप वहां पे भी तो ये चीजें यूज करते हो, तो यहाँ पे भी हमने ये यूज करना है. एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मूला. सो बट इट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लोरल पार्ट. Okay, so how to write the floral formula? First, for only this family, I'm not giving you the general view now because we have to only do one family. Okay, so general नहीं दे रही हूँ मैं. Simple for Solanaceae, सबसे पहले आप इसका symmetry लिखेंगे. And what is the symmetry? This is the symbol. What is the symmetry? It is actinomorphic. याद है मैंने जब आपको the flower कराया था उसमें ये symbol बनवाया था, याद है? So this stands for actinomorphic symmetry. I'm not writing that big word now. Actinomorphic. मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी because it is a symbol here. This is a symbol for actinomorphic. Okay. On the second step, you have to mention whether the flower is a male flower, a female flower, or a bisexual flower. So this is what? It is a bisexual flower bearing both male and female parts. ठीक है? So formula में symbols बोलते हैं what you need to write, what you need to describe. Am I getting? हाँ जी बेटे, इज इट गोइंग क्लियर? ठीक है, देन इसके बाद आपने आगे फर्दर लिखने हैं इसके चार पार्ट्स, चार वर्ल्ड्स. कौन कौन से हैं? केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट. ठीक है, लेकिन अब केलेक्स भी सी से है, कोरोला भी सी से है, सो केलेक्स के लिए वी राइट के. ठीक है, अब ये नहीं कहना कि वो तो सी से था स्पेलिंग इसका, तो आप केलेक्स को के से बना दोगे. नो, इट्स ओनली फॉर अ सिंबल. Okay, because both are having CC. Okay, and for corolla we use C. Right? Then the third wall, outmost to innermost, that is androecium, and the innermost wall is that of gynoecium. Okay. अब हमने लिखना है इसका numeric value. What is that numeric value? Calyx in Solanaceae they are 5 in number, and what is the condition? They are gamosepalous. गेमो क्या था? दे आर यूनाइटेड सेपल्स, याद है? दे हैव यूनाइटेड सेपल्स. सो हैविंग यूनाइटेड वी यूज अ सिंबल ब्रैकेट. व्हाट इज इट्स नंबर? दैट इज 5. ओके, गॉट इट? सिमिलरली द कोरोला दैट आल्सो हैज 5 यूनिट्स, पेटल्स 5, ऑल आर फ्यूज्ड. ठीक है, ये तो स्पेशल कोरोला ट्यूब बनाता है जो इसका पिटूनिया होता है ना. आई विल शो यू द ट्यूब ऑफ दैट कोरोला. Okay, maybe tomorrow I'll show you that flower. Then the next condition is androecium. Again, it has 5, but they are not fused to one another. आपस में fused नहीं है, तो हमने यहाँ पे bracket नहीं लगाना. But they are fused with the petals. So हमने fusion ऊपर इस bar से show कर दी. ठीक है, bar is like rounded. आपने इस तरह से rounded bar देना है. That which shows the epipetalous condition. You remember? I told you epipetalous condition when the androecium that is connected to the petals and epiphyllous is when they are connected to the tepals. Par yahan proper calyx corolla nazar aa raha hai, so isliye it is epipetalous condition. Okay, coming to the next gynoecium, it has 2 of the carpels, both are fused, bilocular condition. Exile presentation show karte hain ye bhi. Theek hai, and the gynoecium here is superior ओवरी, सुपीरियर ओवरी. हाइपोगाइनस याद है आपको कंडीशन? हाइपोगाइनस में हमने क्या कहा था?
कि गाइनोशियम दैट ऑक्यूपाइज द टॉप पोजिशन, बाकी सारे फ्लावर्स नीचे से निकलते, ऐसे कहा था ठीक है। तो यहाँ पे ये है क्योंकि ओवरी सबसे ऊपर है और बाकी फ्लावर्स नीचे से बन रहे हैं, सो दैट इज इट इज सुपीरियर ओवरी। अब कितनी टर्म्स देखो मैंने यहाँ पे बोली और सारी यहाँ पे सिर्फ सिंबल्स में यूज हो रही है ना। यू कैन बी आस्क्ड द सिंबल्स नेम, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, व्हाट डज दिस लाइन रिप्रेजेंट, व्हाट इज दिस फॉर्मूला, दिस सिंबल फॉर, है ना, व्हाट इज दिस सिंबल फॉर, और व्हाट इज द सिंबल फॉर द बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। या सिंपल आपको स्ट्रेट वे में राइट द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली सोलेनेसी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, क्लियर। अब इसी सारी चीज को हमने जब डायग्रामेटिकली शो कर देना है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज फ्लोरल डायग्राम, गॉट इट। नाउ वी हैव टू शो इट डायग्रामेटिकली, सो मेकिंग द फ्लोरल डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल टाइप्स, लाइक यू कैन से यू हैव टू कीप अ कीन आई ऑन दिस दैट नथिंग गोज रॉन्ग बिकॉज वी हैव टू जस्टिफाई द सिमेट्री ओवर हियर, okay, so that is a floral diagram. This is a part of your practical also, for sure this is going to be in your practical paper. For term 1, this flower and its cross section, writing of floral formula, writing of the floral diagram, making of this diagram and writing the description of this, that is for sure a part of your practicals, right? That is, you have to draw this showing symmetry, following the lines of symmetry. That is why I am telling you again and again. For this, you need to have a compass and a scale, okay, when you draw it. If you will draw it for 3 to 4 times, na, then you will definitely get a practice of it and you will be very fast to draw it, right? So, humne kya karna hai yahan pe? Humne ye 4 whorls banane. To charo whorls ke liye pehle to compass rakke, ek point pe, aapne concentric circles draw kar lene. Theek hai, you make the concentric circles from one point only, ek point rakke, bada circle, fir uske baad second circle, outermost represents the circle for calyx, then there is second from outer, that is corolla whorl, okay, then the third from outer, that is androecium whorl, and fourth from outer, that is innermost, is your gynoecium part of the flower. So this is the 4 concentric rings or the circles. ठीक है, आई एम मेकिंग इट विद द फ्री हैंड, यू विल बी नाउ मेकिंग इट विद द फ्री हैंड, बट आफ्टरवर्ड्स इफ यू आर इन योर प्रैक्टिकल फाइल्स एज वेल एज इन योर असाइनमेंट नोटबुक्स, यू मेक इट विद द कंपास एंड स्केल, ओके, राइट। नाउ पुटिंग अ स्केल, आपने क्या करना है, एक सेंटर में एक बिल्कुल यहाँ पे एक मार्जिन लगा देना है जो बिल्कुल सेंटर से क्रॉस कर रहा है लाइक दिस एक्सिस, एंड यू आर टू ड्रॉ ऑल दीज लाइंस जो अभी तक मैंने बनाई है विद वेरी लाइट हैंड, ठीक है, बिकॉज दीज नीड टू बी इरेज्ड आफ्टरवर्ड्स, क्लियर। स्टार्टिंग विद आउटर मोस्ट केलेक्स वर्ल्ड, केलेक्स हैज 5 यूनिट्स, सो हैविंग 5 यूनिट्स एंड दीज 5 यूनिट्स, आई टोल्ड यू एस्टिवेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, फॉर एस्टिवेशन वी सेड दैट दे नीड टू बी अरेंज्ड इन अ सिमेट्री, है ना, सिमेट्री में रखने हैं, तो सिमेट्रिकली जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, वन पेटल इज कॉमन ऑन बोथ द साइड्स, सो सिमेट्रिकली दोनों में एक्सटेंड कर दो, ठीक है, वन पेटल इज कॉमन ऑन बोथ द साइड्स, राइट, यू मेक इट इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल, दिस इज द सर्कल, ओके, सो दिस इज वन पेटल इज कॉमन ऑन बोथ द साइड्स, क्लियर, योर टाइम इज ओवर, सो वी विल कंटिन्यू दिस अगेन, दैट इज टुमारो, द फ्लोरल डायग्राम एंड द डिस्क्रिप्शन, एंड वील बी डन विद द मॉर्फोलॉजी चैप्टर, राइट। Anybody having any questions, please don't be